तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फाइनली दोस्तों हिंदी का, भाई हिंदी का भी जो कोई भी नहीं अपलोड करता यार, वो भी सैंपल पेपर लेके आ चुके हैं। 40 मार्क्स का, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रॉपर बताने वाला हूँ। और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कि वहीं पर ही अपलोड कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे ही हमारा सारा कंटेंट, जितने भी सारे सैंपल पेपर हैं वहीं अपलोड होते हैं। और CS, फिजिकल एजुकेशन सारे अपलोड हो चुके हैं। कंप्यूटर साइंस का भी जल्दी अपलोड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पंजाबी का हमारे पास अवेलेबल नहीं हो तो उसके लिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं। बाकी आपके लिए सारी चीज़ें अपलोड कर दी। तो बेसिक पैटर्न देख लेते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके अंदर आपको 7 के 7 उत्तर देने हैं। यानी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं गिवन आपको, यानी आपको जितने दे रखे वही प्रॉपर करने हैं ना। प्रश्न फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का चयन कर लगभग 200 शब्दों का रचनात्मक लेख लिखे। यदि मैं उड़ सकता तो, बदलती दुनिया में पीछे छूटता जीवन मूल्य, इंटरनेट के बिना गुजारा पूरा एक दिन। आई थिंक मे बी आपको बेटा 3rd के साथ जाना चाहिए। यानी इसके बारे में आप प्रॉपर अपने जो थॉट्स आपको लगते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर है दोस्तों, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो, कोरोना के दौरान ली जाने वाली संविधियों के विषय में बताते हुए पत्र को मित्र को पत्र लिखिए भाई। या ये ले सकते हो, टॉपिक है बिरला हाई स्कूल नई दिल्ली में हिंदी अध्यापक की आवश्यकता इस पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने हेतु आवेदन। या आप दोनों में से जो भी आपको जिस अकॉर्डिंग टू जो भी अच्छा लगे, आप वो शीर्ष मतलब टॉपिक लेके आप उसमें राइट कर सकते हो प्रॉपर शीर्षक। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, थोड़ा सा हिंदी का ध्यान रखना है लिखते टाइम, और थोड़ा सा आप इसमें अच्छे से राइटिंग को अच्छे से लिखते हो तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिसंबर 22 दिसंबर है दे रहा, मतलब डेट दे रखी है, आपके विद्यालय के हॉल में रेडीग्राम सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ठीक है। तो इस विषय का एक प्रतिवेदन लिखी, तो इसको भी आप लिख सकते हैं नॉर्मल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यवृत्त और कार्यसूची में क्या अंतर है। तो प्रॉपर आपको डायरेक्ट पूछ रहा है, तो आप इसके आंसर दोस्तों गूगल पे चेक कर सकते हैं, और बाकी बुक के अकॉर्डिंग इसके आंसर सॉरी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। बाकी आपको मैं क्वेश्चंस आपको एक एक करके सारे प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाए। क्वेश्चन 4 क्या कह रखा है, संचार में प्रिंट मीडिया का क्या योगदान है। ये प्रॉपर आपको ऐसा बेसिक टॉपिक है, जनरल टॉपिक है, जिसमें आप लिख सकते हो भाई साहब, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉपर टॉपिक्स दे रखे हैं जिससे रिलेटेड आप देख सकते हो। अब आ जाएंगे आपके प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। ये तो प्रॉपर आपकी बुक के अकॉर्डिंग आए हैं, यानी बुक से जो आ रहा है 3, 6, 20 मार्क्स का प्रॉपर बुक से आ रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हो 6, 9 और 5 और 2, यानी टोटल मिला के आपका जो आ रहा है 20 मार्क्स का बुक से आ रहा है, क्लियर। तो ये प्रॉपर हो गया पेपर आपका, जैसे देख सकते हो। इस PDF के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम को फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार। अकाउंट्स का, बिजनेस का, इंग्लिश का, हिंदी का सारा ही सारा अपलोड होते जा रहा है, तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ऐसी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल पेपर जो भी आपको चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ भी जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, कर लें चैनल को सब्सक्राइब।